हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान का बस्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीटी बायोलॉजी 2021 के क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्यूशन की। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टारफिश में पेडिसिलेरी का मुख्य कार्य है, चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसिलेरिया। पेडिसिलेरी का जो मुख्य काम होता है वो होता है एक ग्रेस्पिंग ऑर्गन्स की तरह, जो कि सी अर्चिन और स्टारफिश में पाया जाता है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। इसका मुख्य काम जो होता है वो होता है चीज़ों को पकड़ना यानी कैप्चर करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हमें पूछा गया है द फिनोमिना ऑफ ब्रैडी टेल इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। ब्रैडी टेल की घटना जो है वो किस एनिमल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। दिए गए ऑप्शन में से ए बी सी, इन तीनों एनिमल के द्वारा ये ब्रैडी टेल फिनोमिना शो किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें पूछा गया है हेलोफाइटिक फर्न इज। हेलोफाइटिक फर्न का उदाहरण है, तो दिए गए ऑप्शन में से हेलोफाइटिक फर्न का जो उदाहरण है वो है ऑप्शन सी, एक्रोस्टिकम ऑरियम। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, रेंडियर मॉस इज। रेंडियर मॉस है, तो क्लैडोनिया रेंजिफेरा को रेंडियर मॉस भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म फाइला प्रोड्यूसेस मोटाइल स्पर्म बियर्ड्स ओव्यूलेट एंड माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन्स ऑन सेपरेट प्लांट्स एंड हैज फ्लैशी कोटेड सीड्स। तो इस तरह का जो जिम्नोस्पर्म होता है वो दिए गए ऑप्शन में से साइकेडोफाइटा है, यानी कि ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें हमें पूछा है कॉलीफ्लावर कैबेज नोल खोल एंड टर्निप बिलोंग्स टू हाउ मेनी जेनरा। तो ये तीनों चार जो दिए गए हैं, कॉलीफ्लावर कैबेज नोल खोल और टर्निप, ये एक ही जेनरा से बिलोंग करते हैं, ब्रैसिकेसी से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि वन जेनरा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें पूछा गया है विच वन इज़ फाउंड इन एंडोस्पर्म ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव सेल। कौन बैक्टीरिया के एंडोस्पर्म में पाया जाता है लेकिन काई कोशिका में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिपिकोलिनिक एसिड, ये नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जिसने हमें पूछा है रेगुलर एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द साइज ऑफ मसल्स बाय 60%। दिस इज मेनली द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द। प्रतिदिन व्यायाम करने से पेशी का आकार 7% तक बढ़ जाता है, यह मुख्यतः फल है। तो प्रतिदिन व्यायाम करने से जो है मसल्स के डायमीटर में इंक्रीज होता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन अर्थमेटिक्स एवरेज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल। तो ये जो सिंबल दिया गया है इसे समेशन कहते हैं, यानी टोटल ऑफ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। मॉलिकुलर बायोलॉजी का जो सेंट्रल डोगमा है वो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये शो करता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, जिसमें हमें पूछा गया है द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस वॉज डिवॉइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। कैरोलस नीनियस के द्वारा जो द्विनाम पद्धति दी गई थी उनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सी श्रेणी नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन सी फाइलम और फैमिली कैरोलस नीनियस के बाइनोमियल सिस्टम में नहीं पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
इन सर्टेन प्लांट्स द मैकेनिज्म वेयर टाइमिंग ऑफ एंथर डाइसेंस एंड स्टिग्मा रिकैप्टिविटी डू नॉट कोइंसाइड टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड. तो इस तरह के पॉलिनेशन को जो बोलते हैं वो है दिए गए ऑप्शन में से हार्कोगैमी. ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13. इन वेंट्रिकुलर सेप्टम इज इनकम्प्लीट. इन वेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि इनकम्प्लीट होता है वो है यूरोमैस्टिक्स में. ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14. ट्राइपनोसोमा इज पॉलीमॉर्फिक. विच ऑफ इट्स फॉलोइंग स्टेज लैक्स अ फ्लैजेलम. ट्राइपनोसोमा जो कि एक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनमें इसकी किस स्टेज में फ्लैजेलम का अभाव पाया जाता है. तो दिए गए ऑप्शन में से लैशमैनी में ये फ्लैजेलम का अभाव देखने को मिलेगा. ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए ऑक्सोस्पोर्स आर फाउंड इन. ऑक्सोस्पोर्स पाया जाता है. तो दिए गए ऑप्शन में से ऑक्सोस्पोर्स जो है वो बैसिलेरियोफाइसी में पाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में हमें मैच करना है. इस कॉलम को मैच करने के बाद जो हमें यहाँ पे चूज करना है राइट आंसर दिया गया है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे करेक्ट आंसर को चूज करना है. तो दिए गए ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए वो है ऑप्शन ए. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17. विच वन इज करेक्टली पेयर्ड. तो दिए गए युग्म से कौन सा युग्म सही मिलान किया गया है, सही दिया गया है. तो वो है ऑप्शन डी शीशम डलबर्जिया. शीशम का जो बॉटनिकल नेम होता है वो डलबर्जिया है. तो इस तरह से ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जिसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. यहाँ पे देखिए नॉट ट्रू दिया गया है. इस तरह से अपने क्वेश्चन पेपर में आपको निशान लगा लेना है कि जाके ध्यान रहे नॉट ट्रू रिगार्डिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इट कंटेन्स ओनली कॉपर, कि इसमें केवल कॉपर पाया जाता है. ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर. नेक्स्ट 19. CH2 डबल बॉन्ड CH2 मुख्यतः उत्तरदायी है. तो ये जो है एक फल को पकाने वाला हार्मोन होता है इथाइलीन, जो कि एक गैसी हार्मोन है. इस तरह से 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20. विच वन इज नॉट अ फोजाइल टाइप. दिए गए ऑप्शन में से कौन है जो फोजाइल यानी जीवाश्म का एक प्रकार नहीं है. तो ऑप्शन डी बसाल्ट जो है ये फोजाइल का प्रकार नहीं है. ऑप्शन डी जो है 20 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21. नाइट्रोजिनस एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज आर स्टोर्ड इन द. नाइट्रोजिनस जो वेस्ट होते हैं मेटाबॉलिक ये कहाँ पर संरक्षित किए जाते हैं. तो दिए गए ऑप्शन में से एलेंटॉइस में ये संरक्षित किए जाते हैं. तो इस तरह से ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. यहाँ पे हमें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. यहाँ पे पेयर मैच नहीं है करेक्टली, उसे चूज करना है. तो दिए गए ऑप्शन में से जो ऑप्शन दिया गया है वो है प्लैटीहेलमिंथीज अनसेगमेंटेड एसिलोमेट. तो ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे. तो इस तरह से ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे. वीट्स ऑफ द फिश पॉन्ड्स हैविंग फ्राई इज रिमूव्ड बाय. मछली के बच्चे युक्त तालाब में खरपतवार को किस प्रकार से निकाला जाता है. तो इसमें से जो खरपतवार को निकालने की टेक्निक है वो है मैकेनिकल अपरूटिंग. ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है. नेक्स्ट आते हैं 24 पे जिसमें पूछा है द टर्म सिंगल सेल प्रोटीन SCP रिफर्स टू. सिंगल सेल प्रोटीन शब्द संदर्भ किसके लिए कहा गया है. तो दिए गए ऑप्शन में से
जो है प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ एल्गी फंजाई और बैक्टीरिया, इस संबंध में ये एससीपी कहा गया है, यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा है अ सैंपल ऑफ 10 पीपल हैव दी फॉलोइंग बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, दिस 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 एंड दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है. तो 25 के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो होगा 3.50 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी. इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप अपने आंसर को कमेंट करके बता सकते हैं. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इम्पॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन प्लेस्ड इन. तो 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट के अकॉर्डिंग एनिमल्स को किस कितने स्थान पर रखा गया है. तो महत्वपूर्ण जो वन्य प्राणी है वो 6 शेड्यूल्स में रखे गए हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज. एक्सोक्राइन पैनक्रियाज को दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है जो स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है. तो दिए गए ऑप्शन में जो ऑप्शन है वो है सिक्रेटिन एंड पैनक्रियोजाइमिन, ये स्टिमुलेट करता है एक्सोक्राइन पैनक्रियाज को, ऑप्शन ए 27 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए 28, ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ द क्वीन बी क्यूपलेट्स. रानी मक्खी जो होती है, रानी मधुमक्खी अपने पूर्ण जीवन काल में मैथुन करती है केवल एक बार, ओनली वंस, ऑप्शन ए 28 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इन ग्रिफिट्स एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वायरुलेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड एज. तो जो वायरुलेंट स्ट्रेन होती है वो एस स्ट्रेन कहलाती है, यानी कि ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, एपिगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन. एपिगाइनस फ्लावर पाए जाते हैं. तो दिए गए ऑप्शन में से जो एपिगाइनस फ्लावर हैं वो क्यूकरबिटा में पाए जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है. नेक्स्ट 31 में आते हैं, द टेंड्रिल सोर्स, टेंड्रिल यानी कि प्रतान प्रदर्शित करते हैं. तो जो प्रतान है ये हेप्टोट्रोपिज्म शो करते हैं, स्पर्शानुवर्तन, टच करने पर ये मुड़ जाते हैं. तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ एन एनिमल इज इक्वल टू एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इफ Q10 इज इक्वल टू 2, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर द रेट विल बी 8 into 2. तो 8 गुना के बराबर जो है ऑक्सीजन कंजप्शन करने पर तापमान हो जाएगा. तो दिए गए ऑप्शन में से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 गुना के बराबर पाया जाएगा, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, सीड्स हैविंग लॉन्गेस्ट वाइवलिटी बिलोंग्स टू. ऐसा बीज जिसकी लंबी वायहर्ता पाई जाती है. तो दिए गए ऑप्शन में से लंबी वायहर्ता जो है वो लिपुनस की पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर. नेक्स्ट 34, अकॉर्डिंग टू बोवर एंड ग्योबेल राइजोफोर ऑफ सिलाजिनेला इज. तो सिलाजिनेला का जो राइजोफोर होता है वो जो है दिए गए ऑप्शन में एन ऑर्गन सुई जेनेरिस होगा. तो इस तरह से ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 34 के लिए राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए 35, ऑफ द फॉलोइंग विच सिस्टोड इज प्रोटेंड्रसली हर्माफ्रोडाइट. तो निम्न में से कौन सा जो फीता कृमि है वो नर परिपक्वता उभयलिंगी प्रकार का पाया जाता है. तो इनमें से जो टीनिया है उनमें ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है. 36 में देखिए, वन स्पीसीज इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज बट डज नॉट फीड ऑन इट, इट इज कॉल्ड. तो ऐसा इस प्रकार का जो संबंध है वो कहलाएगा
दिए गए ऑप्शन में से एमनसेलिज्म ऑप्शन नंबर डी 36 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 37 में हमें पूछा है द टीथ आर रिप्लेस बाई अ हॉर्नी बीक इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो दांत होते हैं एनिमल के वो हॉर्नी बीक में प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। दिए गए ऑप्शन में से राइनोसिफेलिया में ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए 37 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38 विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फॉर्मूला इज ऑफ फैमिली रोजेसी, तो रोजेसी फैमिली के लिए दिए गए ऑप्शन में से जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो उसके सुटेबल नहीं है, यानी कि ये जो फ्लोर फॉर्मूला दिया गया है ये रोजेसी फैमिली के अकॉर्डिंग गलत दिया गया है। तो ये चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बोनस पॉइंट हो जाता है। सॉल्व करने पे भी इसके आंसर आपको आयोग के द्वारा दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 एट रेगुलर इंटरवल्स द हार्ट बीट इज रिवर्स्ड इन, रेगुलर इंटरवल पर जो हार्ट बीट है वो रिवर्स हो जाती है। दिए गए ऑप्शन में से स्कॉलियोडॉन में ये कैरेक्टर पाया जाएगा, जो हार्ट बीट होती है वो रिवर्स हो जाएगी, तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए सिनीग्रीन इज प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ फैमिली, सिनीग्रीन जो है किस मेंबर फैमिली के मेंबर में पाया जाता है, तो सिनीग्रीन मेंबर ब्रैसिकेसी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 41 द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड डीजेनरेट कोड बिकॉज आनुवंशिक कोड अपहास कोड कहलाता है, क्योंकि इसका जो रीजन है अपहास कोड कहलाने का वो है मोर देन वन कोड ऑन हैज द सेम मीनिंग। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल इज, किसका ओव्यूल जो है वो हॉर्स शू यानी घोड़े के नाल के आकार का होता है, तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी एम्फीट्रोपस में एम्फीट्रोपस टाइप ओव्यूल में जो ओव्यूल होता है वो हॉर्स शू शेप का होता है, यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कौन सा फीचर पाया जाएगा, तो जो फीनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो होता है वो सेम होता है F2 जनरेशन में, यानी कि ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 हाउ मेनी सोमाइट्स आर प्रेजेंट इन हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया में कितने सोमाइट्स देखने को मिलेंगे, तो हिरुडिनेरिया में 33 सोमाइट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द स्नेक फाउंड इन इंडिया इज नॉन पॉइजनस, इंडिया में पाए जाने वाले विषहीन सांप का बताना है दिए गए ऑप्शन में से, तो दिए गए ऑप्शन में जो बोवा कॉन्स्ट्रिक्टर दिया गया है ये एक नॉन पॉइजनस स्नेक होता है, साथ ही साथ वाइप अजगर जो है ये भी पाइथन ये भी नॉन पॉइजनस स्नेक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा युग्म सही नहीं मिलाया गया है, तो कॉटन जिसे फ्रूट फाइबर के साथ दिया गया है ये गलत है, मिसमैच दिया गया है, तो इस तरह से ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्लेवर ऑफ फूड, निम्न में से कौन सा आहार के सुगंध इनहेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस द फ्लेवर ऑफ फूड्स, इनमें से कौन सा है जो फूड के सुगंध को बढ़ा देता है, तो दिए गए ऑप्शन में से जो ऑप्शन है वो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है वो आहार के सुगंध को बढ़ा देता है, यानी कि ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दी थ्री पेयर्स ऑफ अपेंडिजेस फाउंड इन द नियोप्लियस लार्वा,
न्यूक्लियस लार्वा में पाए जाने वाले तीन जोड़ों उपांगों के विषय में कौन सा कथन सत्य कहा गया है? यहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है। तो 48 में जो ट्रू स्टेटमेंट दिया गया है वो है बोथ एंटीना एंड मैंडिबल्स आर बारमस, श्रृंगिकाएं तथा चिबुक दोनों द्विशाखी होती हैं। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, पीसीओ साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, पीसीओ साइकिल का एक और भी नाम है। तो पीसीए साइकिल को C2 साइकिल भी कहा जाता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, डिस्टेन ऑरिसिन इज ऑप्टेन फ्रॉम द थैलस ऑफ, जो ऑरिसिन नाम का स्टेन होता है वो किसके थैलस से प्राप्त किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रोजेला स्पीसीज से। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, फीडिंग इन स्पोरोजोवा इज, स्पोरोजोवा में जो फीडिंग होती है वो किस प्रकार से होती है? तो स्पोरोजोवा में जो फीडिंग होगी वो बाई सिस्टोसोम के द्वारा होगी, कोशिका मुख के द्वारा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रो एंजाइम इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एक्टिव एंजाइम बाई इंटेरोकाइनेज एंड देन बाई ऑटो कैटेलाइसिस। तो इंटेरोकाइनेज जो कि डोडेनम में पाया जाता है, इसमें जो ट्रिप्सिनोजन होगा वो पहले प्रो एंजाइम में कन्वर्ट किया जाएगा उसके एक्टिव एंजाइम के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्सिनोजन 52 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेम शोज सेकेंडरी ग्रोथ एंड वेस्कुलर बंडल्स आर लेप्टोसेंट्रिक। तो दिए गए ऑप्शन में से 53 के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ड्रोसिना, ड्रोसिना में देखने को मिलेगा द्वितीयक वृद्धि उसके संवहन बंडल में। तो इस तरह से ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, यहाँ पे हमें करेक्ट मैच को चुनना है, ऑफ द एल्गल ग्रुप विथ इट्स फूड रिजर्व। एल्गल यहाँ पे एक साइड हमें एल्गी दी गई है, एल्गी का ग्रुप, और उसके साइड में उसका फूड दिया गया है जो ये रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं। तो इसके करेक्ट मैच को मैच करके हमें चुनना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 54 के लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैच करने पे हमें मिलेगा करेक्ट कोड्स ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड, परागकण का स्टिग्मा पर अंकुरण कहलाता है। तो ये एक इन विवो जर्मिनेशन होता है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 55 का राइट विकल्प है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56, लाइन ऑफ ग्रोथ फाउंड ऑन द शेल ऑफ पाइला इज कॉल्ड, पाइला के शंख पर पाई जाने वाली विकास की रेखाओं को सूचर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 56 का राइट विकल्प है। नेक्स्ट 57, चैपरल्स अकर इन वन ऑफ द एरियाज, तो जो चैपरल्स होती हैं ये मेडिटेरेनियन एरिया में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स इज लार्जेस्ट, तो जो सबसे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो है IgM। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है। डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप और जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड, तो क्वेश्चन नंबर 59 के लिए जो राइट आंसर है वो है गामा डाइवर्सिटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60, हाउ इट इज दैट टीनिया एस्केप डाइजेशन बाय द एंजाइम ऑफ द होस्ट, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो टीनिया में जो है ये एल्केलाइन म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के द्वारा होता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लोमासोम रिप्रेजेंट्स, जो लोमासोम होते हैं ये किस में पाए जाते हैं या क्या प्रदर्शित करते हैं? तो जो लोमासोम होते हैं ये एक तरह के इनफोल्डिंग्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे। तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62, विच स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द फीचर ऑफ साइकस, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो साइकस के
फीचर को प्रदर्शित नहीं करता है। तो दिए गए ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 62 के लिए जो राइट विकल्प है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं बताया गया है। तो इस दिए गए ऑप्शन में से 63 के लिए जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस प्रोसेसेस फ्रॉम सी टर्मिनल टू एंड टर्मिनल एंड। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64, विच पेयर इज करेक्ट। यहाँ पे हमें करेक्ट पेयर को चूज करना है। तो 64 के लिए जो करेक्ट पेयर हमें दिया गया है वो है ऑप्शन बी, रेनिनकुलेसी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, क्लीवेज इन एम्फीऑक्सिस इज। एम्फीऑक्सिस में कौन सा विदलन देखने को मिलता है। तो एम्फीऑक्सिस में जो विदलन देखने को मिलता है वो है होलोब्लास्टिक एंड इक्वल, समान प्रकार का होगा और पूर्णभंजी होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, द सोरस ऑफ ड्रायोप्टेरिस इज। ड्रायोप्टेरिस में जो सोरस होता है वो किस प्रकार का होगा। तो जो सोरस है वो मिक्स टाइप का होता है। ऑप्शन ए 66 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंड्रोमस एनएंड्रोमस फिश। तो एनएंड्रोमस फिश में और एनएंड्रोमस फिश का उदाहरण है हिल्सा। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68, द प्रोसेस वेयर बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट एज पार्ट ऑफ द सेक्स फैक्टर टर्म्ड। तो इस तरह इसको जो टर्म यूज किया गया है वो सेक्स डक्शन। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69, इन प्रोसेस ऑफ मियोसिस काइजमेटा आर ड्यू टू। तो काइजमेटा का जो कारण है वो है क्रॉसिंग ओवर, यानी कि ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70, विच वन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन का एक महत्वपूर्ण घटक है जेजीए जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71, क्रैब्स हेंसलेट साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड। क्रैब्स हेंसलेट साइकिल को यूरिया साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 71 के लिए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72, इफ एन एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू एन अमीबा इट मूवमेंट्स विल। तो जो है अमीबा में अगर एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग का इंजेक्शन इंजेक्ट कराया जाएगा तो उसकी जो मूवमेंट है वो इंस्टेंटली स्टॉप हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73, कॉपर डेफिशिएंसी लीड्स टू। कॉपर की कमी से कौन सा डिजीज होगा। तो एग्जैंथिमा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो बर्ड्स के लिए दिया गया है पॉलीलैसिटल एग्स, ये गलत दिया गया है। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75, इन फ्यूनेरिया कैलिप्ट्रा इज डिराइव फ्रॉम। फ्यूनेरिया में जो कैलिप्ट्रा होता है वो किससे व्युत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन डी आर्चिगोनियम से ये डिराइव किया गया है। 75 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76, फाइब्रस बैंड प्रेजेंट इन एंडोथीसियम ऑफ एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ। तो फाइब्रस बैंड जो होती है एंडोथीसियम में एंथर के, ये बनी होती है अल्फा सेल्यूलोज की। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77, एल्वियल सॉयल्स आर मोस्टली फाउंड इन विच रीजन। एल्वियोलल मिट्टी जो होती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो एल्वियोलल मिट्टी जो होती है वो मेनली गंगा नदी के क्षेत्रों में पाई जाएगी। तो इस तरह से जो ऑप्शन है डी गंगेटिक जमुना प्लेन्स 77 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78,
विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिकेंट इज फाउंड इन द हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल में कौन सा जो है टॉक्सिकेंट है पाया जाता है, तो जलमंडल में डिटर्जेंट जो है ये एक टॉक्सिकेंट है जो पाया जाता है, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79, अ ट्यूमर लाइक टिश्यू ऑफ थिन वॉल्ड सेल डेवलपिंग ओवर द वुंड इज कॉल्ड, तो ऑप्शन डी कैलस क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80, डेवलपमेंट ऑफ एंथर इन एंजियोस्पर्म इज, एंथर के डेवलपमेंट जो कि एंजियोस्पर्म में होते हैं वो होंगे यूस्पोरेंजिएट, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिटेड इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से क्या किसकी परमिशन दी जाती है, तो कलेक्शन हंटिंग ऑफ एनिमल, ये तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं ए बी सी, इनकी परमिशन नहीं दी जाती है। लास्ट बचा ऑप्शन डी कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स फायरवुड एंड मेडिसिनल प्लांट्स, इसकी परमिशन दी जाती है, यानी कि ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज ऑफ प्लांट्स, प्लांट में पाया जाने वाला फंगल डिजीज का उदाहरण है, तो एप्पल स्कैब जो है ऑप्शन डी 82 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83, काइलोराइजी इज फाउंड इन, तो काइलोराइजी जो है वो एस्परेगस में देखने को मिलती है, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84, कंसीडरिंग द अमाउंट ऑफ योग एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन द एग ऑफ फ्रॉग आर, फ्रॉग के जो एग होते हैं उनमें किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, तो फ्रॉग में जो है मीजोलैसिथल टीलोलैसिथल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 84 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85, द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म वाज ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड, तो एंजियोस्पर्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और डाइवर्सिफिकेशन है वो क्रिटेशियस पीरियड में देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86, द लार्वल लाइफ ऑफ बॉम्बिक्स मोराई लास्ट फोर डेज, तो जो बॉम्बिक्स मोराई का जो लार्वल लाइफ होती है वो होती है 27 डेज की, बट हमारे ऑप्शन में इस क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं दिया गया है ऑप्शन, तो इस तरह से हम नियर अबाउट में 32 यानी कि ऑप्शन ए 86 का राइट आंसर मानेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, सेंट्रिपिटल जाइलम इज प्रेजेंट इन, अभिकेंद्रीय जाइलम पाया जाता है डाइकॉट रूट में, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88, अ प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है, तो ये तीनों दिए गए ऑप्शन ए बी सी, इनका अभाव देखने को मिलता है, तो इस तरह से ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें हमें मैच करना है और मैच करके करेक्ट आंसर को चूज करना है, तो जब हम इसे मैच कर लेंगे तो जो हमें राइट आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 89 के लिए वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें पूछा गया प्लेसेंटा इन ह्यूमंस इज, ह्यूमन में जो प्लेसेंटा पाया जाता है वो किस प्रकार का होगा, तो ऑप्शन ए जो है कोरियोनिक मोनोडाइस्कॉइडल हीमोस्कोरियल, तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा इन दिए गए ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें हार्मोन दिया गया है जो करेक्टली मैच नहीं किया गया है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है रेनिन, ये ऑप्शन डी ये गलत दिया गया है, रेनिन जो है ये एक्सोक्राइन सिस्टम से
संबंधित है और इसके इसके इसे जो है स्टमक ऑफ इन्फेंट्स, तो इन्फेंट्स में जो रेनिन पाया जाता है उसकी स्पेलिंग होती है RENNIN. अगर ये रेनिन दिया होता तब तो ये भी ये मैच सही हो जाता है. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 91 के लिए जो करेक्ट नहीं है मैच वो है ऑप्शन डी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92 जिसमें हमें पूछा है एन एल्गी हैविंग क्लोरोफिल ए, एक क्लोरोफिल ए मुक्त शैवाल जिसका संचयी उत्पाद सुपुष्पी स्टार्च है तथा जिसमें कशाभी कोशिकाओं का अभाव है इस वर्ग का सदस्य है. तो ऐसा शैवाल जो है वो बिलोंग करता है क्लास रोडोफाइसी से. ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93, पाइनस प्रोटेक्ट्स इट्सेल्फ फ्रॉम माइक्रोबियल एंड इंसेक्ट्स अटैक थ्रो. जो पाइनस होता है वो अपने आप को माइक्रोबियल अटैक और इंसेक्ट के अटैक से रक्षा करता है. किसके द्वारा? रेजिन के द्वारा. ये एक रेजिन का सिक्रेशन करने लगता है, यानी कि ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच नहीं दिया गया है? तो 94 में जो ऑप्शन बी दिया गया है एपिस्टेटिक जीन स्टिमुलेटिंग द एक्शन ऑफ अनदर जीन, ये गलत दिया गया है. ऑप्शन बी 94 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95 जिसमें पूछा गया है विच स्टेज ऑफ पक्सिनिया इज फाउंड ऑन इट्स अल्टरनेटिव होस्ट. तो पक्सिनिया की जो पिकनीडियोस्पोर स्टेज है वो अल्टरनेटिव होस्ट पर पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में हमें पूछा है द न्यू वेराइटीज ऑफ अ स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ. तो जो न्यू वेराइटी होती हैं वो स्ट्रेट लाइन इवोल्यूशन कहलाएंगी, यानी कि 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97 जिसमें पूछा है एपोकार्पस कंडीशन अकर्स इन. तो एपोकार्पस कंडीशन जो है वो फैमिली दिए गए ऑप्शन में से रैनकुलेसी में देखने को मिलेगी. ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98, इन पैलमोन द हेस्टेट प्लेट इज फाउंड ऑन द डैश साइड ऑफ कार्डियक स्टमक. तो पैलमोन में जो कार्डियक स्टमक होता है उसके वेंट्रल साइड में ये प्लेट देखने को पाई जाएगी. ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स. एड्स के संबंध में स्टेटमेंट दिया गया है, तो यहाँ पे हमें बताना है कितने स्टेटमेंट सही दिए गए हैं. तो यहाँ पे दिए गए ये चारों स्टेटमेंट्स एड्स के एस्पेक्ट में सही बताया गया है. ये चारों स्टेटमेंट्स जो है एड्स से संबंधित सही स्टेटमेंट है. तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 99 के लिए राइट हो जाएगा. 1, 2 and 3 आर करेक्ट. तो यहाँ पे जो चौथा स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन ए चूज किया. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100, बर्ड्स आर कैपेबल ऑफ रिमूविंग ड्यूरिंग इंस्पायरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 90%. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 101, इन अ डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इफ पेरेंटल टाइप एक्सीड द रिकॉम्बिनेशन टाइप अमंग्स द रिजल्टेंट प्रोजेनी इट इज ड्यू टू दिए गए ऑप्शन में से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लिंकेज के द्वारा ये देखने को मिलेगा. ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102 जिसमें हमें पूछा है
फेजेस विच शोस लाइसोजेनिक साइकिल आर कॉल्ड, दिए गए फेज में से कौन सा है जो लाइसोजेनिक साइकिल शो करेगा? तो ऑप्शन ए टेम्परेट फेज जो है ये शो करेगा, ऑप्शन ए जो है 102 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है एच इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपॉन एन साइन थीटा इज द फॉर्मूला फॉर, तो ये रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज पॉइजनस, क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया है कौन सा जो एनिमल है जो विषैला होता है, तो 104 के लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मेल ऑर्निथोरिंकस, 104 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105, द एंटी ट्रांसपेरेंट प्रतिवाष्पोत्सर्जक है, तो ऑप्शन नंबर ए पीएमए फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट जो है ये एंटी ट्रांसपेरेंट है, क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, रिटॉर्ट शेप्ड सेल्स आर फाउंड इन, तो रिटॉर्ट शेप सेल्स जो है वो स्फेग्नम में पाई जाती हैं, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107, पॉलीसोम कंसिस्ट, पॉलीसोम में पाया जाता है, तो पॉलीसोम में जो है राइबोसोम और टीआरएनए पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108, प्रोटीन केराटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ, केराटिन प्रोटीन जो है दिए गए ऑप्शन में से किसके एपिडर्मिस से नहीं पाई जाती है, तो केराटिन प्रोटीन जो है रेप्टाइल्स में पाई जाती है, मैमल्स में पाई जाती है, बर्ड्स में पाई जाती है, लास्ट बचा ऑप्शन ए फिश में ये नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109, मोनोजीनियन एक्टोपैरासाइट्स ऑफ फिशेस आर पर्टिकुलरली फाउंड ऑन देयर, तो मोनोजीनियन टाइप का जो एक्टोपैरासाइट्स है फिश का ये पाया जाता है उनके दिए गए ऑप्शन में से गिल्स में, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110, द वेलमेन ऑफ ऑर्किड्स रूट इज डेराइव फ्रॉम द, ऑर्किड का जो वेलमेन होता है ये डर्मेटोजन ऑफ रूट से डेराइव किया जाता है, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 111, लैक इंसेक्ट फीड्स ऑन विच ऑफ द होस्ट प्लांट, तो जो लॉक का कीड़ा होता है वो बूटिया मोनोस्पर्मा के पेड़ पर पाया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है 111 का राइट आंसर है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 112, फाइलेरिया इज मानव रुधिर में फाइलेरिया इज डायग्नोज, फाइलेरिया इज डायग्नोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोफाइलेरिया इन द ह्यूमन ब्लड, फॉर दिस द ब्लड सैंपल इज टेकन, तो मानव रुधिर में जो माइक्रोफाइलेरिया की उपस्थिति से फाइलेरिया निदानित किया जाता है, इसके लिए जो रक्त है रक्त का जो सैंपल है वो कितने टाइम पे लिया जाएगा, तो रक्त का सैंपल जो है बिटवीन 10 PM to 4 AM इन द नाइट कलेक्ट किया जाएगा, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं, 113 में हमें पूछा गया है द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, पैरामीशियम में जो माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है वो डिप्लॉइड प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 114, ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स आर फाउंड इन, स्मूथ वॉल टाइप के जो राइजोइड्स होते हैं वो पाए जाएंगे पैलिया में, यानी कि 114 के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 115, क्लोराइड सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ फिशेस आर फाउंड इन देयर, क्लोराइड का स्रावित करने वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो मछलियों में पाई जाती हैं उनके गिल्स में, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 116, द ग्रोथ ऑफ ओबेलिया कॉलोनीज ऑफ डैश टाइप, तो जो ओबेलिया की कॉलोनी होती है वो सिम्पोडियल टाइप की होगी, तो
तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 117. लीफलेस स्टेम ऑफ अनियन विच प्रोड्यूसेस फ्लावर इज कॉल्ड. अनियन की जो प्याज की जो पत्ती रहित तना है जो पुष्प उत्पादित करता है ये कहलाता है स्कैप. यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118 जिसमें हमें पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. दिए गए वायरस के प्रकार में से किसमें जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है. तो T2 फेज में ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 119. द टर्म्स लोटिक एंड लेंटिक रिफर्स टू. सरितजीवी और सरोजीवी संदर्भित करते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट से. ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120. विच वन इज मोस्ट प्रिमिटिव अमंग द फॉलोइंग इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल. जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कौन है जो सबसे प्राचीन है. तो क्वेश्चन नंबर 120 के लिए जो राइट आंसर है वो है दिए गए ऑप्शन में से लाइकोपोडियम ऑप्शन ए. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121. स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीज इज सीन इन. पेड़ों का स्तर विन्यास देखा गया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 पे आते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियंस द फर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप इन द स्टमक ऑफ द फीमेल एंड लिटिल फ्रॉग्स कम आउट ऑफ इट्स माउथ. तो इस दिए गए क्वेश्चन के लिए 122 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रियो बट्रैकस ऑप्शन बी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123 जिसमें हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप्स हैज सेप्टेट हाइफी एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द बडिंग कोनिडिया एंड फ्रेगमेंटेशन. तो क्वेश्चन नंबर 123 के लिए जो राइट आंसर है वो है ग्लोमेरोमाइकोटा ऑप्शन डी 123 का राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड बॉर्न टॉक्सिन. निम्न में से कौन सा एक आहार वहित जीव विष है. तो दिए गए ऑप्शन में से बॉटुलिनम टॉक्सिन ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 124 के लिए राइट आंसर है. ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125 जो TGT बायोलॉजी 2021 के क्वेश्चन पेपर का अंतिम क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल विच वन इज द ओल्डेस्ट पीरियड अमंग द फॉलोइंग. तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सबसे पुराना समय है. तो 125 के लिए जो राइट आंसर है वो है कैम्ब्रियन ऑप्शन ए. तो इस तरह से ये 2021 PGT का पेपर था और उसमें पूछे गए प्रश्न और उसके सॉल्यूशन थे. यदि किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो उसके ऑप्शन को आप कमेंट करके बताएं और आयोग द्वारा जारी की गई आंसर की का वेट करें. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और सॉल्यूशन समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले. गाइज आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशंस मिलती है और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है. तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.